बसपा का वोट मिलना और कटना, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी और गुम हो जाती। इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुजन समाजवादी समाजवादी मजाक कर रहे हैं, बकवाड़ा बेचने वाला हमारा भाई नहीं है। अगर नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय लोकसभा का चुनाव है जनपद जौनपुर के। इस समय हम सुजियामऊ ग्राम सभा में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, क्या है चुनाव की रणनीति और किस प्रकार से ये लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और क्या कार्यक्रम दुनियों का चल रहा है। आइए हम बातचीत करवाते हैं। ओम प्रकाश उपाध्याय, सदस्य जिला कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी जौनपुर। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव किस प्रकार का हो रहा है? लोकसभा चुनाव 2024 एकदम अस्पष्ट जी दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अस्पष्ट सरकार, अस्पष्ट बहुमत मिल रहा है और 400 पार। तो जो विपक्ष के हैं वो भी, अगर यहाँ देखा जाए मलनी में हमेशा सपा का ही रहा है वर्चस्व, तो ये मलनी विधानसभा कितना इस बार कारगर होगा? मलनी विधानसभा में अब की बात भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि जनता देख चुकी है जी कि अभी तक चाहे वो समाजवादी पार्टी के भी विधायक रहे हों या किसी भी पार्टी के विधायक रहे हों, उनका कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दिया। और जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है और 2017 से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, धरातल पर विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, जितने भी काम है सब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। मुफ्त राशन की योजना है, सब धरातल पर दिखाई दे रहा है और जनता जागृत हो गई है और जनता जनार्दन को पता है कि उनका चहुंमुखी विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और आने वाले इस चुनाव में जौनपुर जनपद से माननीय कृपा शंकर जी को प्रचंड जीत मिलने जा रही है और जीत के बाद ये कैबिनेट मंत्री भी बनने जा रहे हैं और ये जौनपुर वासियों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर उमेश चंद मिश्रा है। तो कृपा शंकर सिंह जी के विषय में क्या कुछ जानते हैं? कृपा शंकर जी बहुत नेक आदमी है जी, ऐसा प्रत्याशी हमें पहली बार मिला है जिससे हमारे क्षेत्र जनपद का विकास होगा और तमाम फैक्ट्रियां लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी। जी बगैर जीते वो कंधे का पुल दिए, वो सहदौरपुर में पावर हाउस दिए थे, बाकी और क्या करना, लोग देख रहे हैं। मतलब जनता का ये भी कहना है कि इतने दिन ये यहाँ पे नहीं थे। अरे भाई काहे नहीं थे, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने अपना सब कार्यभार संभाला, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो कैसा मतलब जनता में क्या विश्वास दिख रहा है आपको? जनता में अच्छा विश्वास है भाई साहब, यहाँ के जो लोग हैं उनके पास जो गए हैं उनका कार्य भी किए हैं। हमारे सुनील भाई साहब है, अभी जल्द में उनका वो किए हैं, उपचार कराए हैं जी जी। जो लोग जाते हैं उनका वो कार्य मतलब करते हैं, बढ़िया से करते हैं। अच्छा, मुंबई मतलब जो लोग यहाँ से जाते हैं उनका कार्य करते हैं जी, सहयोग करते हैं, बढ़िया से सहयोग करते हैं जी जी। तो विपक्ष का क्या है यहाँ पे रोल दिख रहा है? विपक्ष का कुछ रोल नहीं, विपक्ष वो झूठे ऐसे ही बोल रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई विशेष रोल तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज जैसा कि देखा जा रहा है धनंजय सिंह का बसपा से भी टिकट कट गया। आयो धनंजय सिंह के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ भाई साहब जी, क्योंकि वो अपने लड़े हम अपने लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे कि धनंजय सिंह के आने से और जाने से कुछ परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं प्रभाव। हमारा प्रचंड बहुमत है, जीत मिलेगी 100% मिलेगी जी जी जी। लेकिन अगर देखा जाए मलनी विधानसभा में धनंजय सिंह के आने से भाजपा को हमेशा नुकसान रहा है। नुकसान नहीं रहा है, नुकसान जो रहा है वो धनंजय सिंह के नाते नहीं रहा है, यही मैं आपसे कहना चाहूँ। धनंजय सिंह के नाते नहीं रहा है तो मतलब उनके आने से वोट घटता था ना भाजपा का? भाई घटता था, वो भौगोलिक स्थिति थी, चुनाव की परिस्थिति थी, क्यों घटता था, क्या होता था, इसके बारे में कोई आकलन तो है नहीं जी जी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है? अरुण कुमार उपाध्याय। आप लगातार क्षेत्र में है, कैसा माहौल लग रहा है भाजपा का यहाँ से? माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। 2024 राष्ट्रीय मुद्दे हैं, यहाँ क्षेत्र और राष्ट्र का मुद्दा जी जी
इस समय प्रभावी है। क्षेत्र में हमारी योगी सरकार और केंद्र में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आदरणीय मोदी जी की सरकार जी, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार यहाँ हमारा सारे मुद्दे को समझ लीजिए ख़त्म कर दिए। जमीन पर सारे हमारे, चाहे वो मुद्रा योजना से लोन मिलता हो, चाहे वो गरीबों का किसान सम्मान निधि, गरीब और अमीर सबको एक साथ कर दिए, उसके बाद आपका ये शौचालय, आपका आवास, आपका गैस, सारे सिस्टम, आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड अब तो एक नया दे दिए हैं मोदी जी, 70 साल के ऊपर सभी को, चाहे जिस जाति और धर्म के हों सबको मिल रहा है। आपको लग रहा है मतलब जनता में मोदी जी के सरकार की जो भी भाजपा की सरकार की योजनाएं हैं वो मिल रहे हैं, इसके कारण इनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 370, भारतीय जनता पार्टी 400 पार, ये अलायंस के साथ हम चुनाव जीतेंगे। और यहाँ कोई मलहनी या कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी जी, हमारे यहाँ 5 विधानसभा मुंगरा है, बदलापुर है, शाहगंज है, सिटी है और मलनी है जी जी, 5 विधानसभाओं में ये लोकल चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रवाद का चुनाव है। और केंद्र में बहुत बड़ी शख्सियत मोदी जी के नेतृत्व की अभी भी बहुत ज़रूरत है, जो 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है, जनता उस पर फुल गारंटी मान करके वोट कर रही है। यहाँ महामारी लड़ाई किसी से ही नहीं है, चुनाव जीत रहा हूँ, कम से कम हमारा अंदाज है 2 लाख के आसपास चुनाव निकलेगा। तो पिछली बार जैसा कि देखे आने में आ रहा था कि लोकसभा के चुनाव केपी सिंह जी हार गए थे लगभग 60,000-70,000 वोटों से, इस बार क्या विश्वास है? सपा बसपा गठबंधन था पिछली बार, यही विश्वास है कि गठबंधन टूटा है, हम इसीलिए कह रहे हैं 2 लाख से ज्यादा हम इस बार सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई पार्टियां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, गठबंधन करके हिंदी गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, थोड़ा बहुत सपा समाजवादी लोग हैं उनसे हम 80-20 की लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी हाँ बिल्कुल। तो धनंजय सिंह के आने से क्या कोई फर्क नहीं, क्योंकि बसपा में कोई वोट करना नहीं चाह रहा है, आपको सत्य बता तो आज तो उनका बसपा से भी टिकट कट गया है। अब कट जाए या न कटे उसका तो मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि वो तो भाई अपना दायित्व है उन लोगों का जो पार्टी। ये भी भाजपा भी आरोप लग रहा है कि जब से कृपा शंकर सिंह यहाँ पे आए, धनंजय सिंह जेल में गए, फिर जेल के बाद निकले, फिर उनकी पत्नी को टिकट मिला और आज उनका टिकट भी कट गया, ये भी कहा जा रहा है कि दबाव में कटा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहन मायावती जी ऐसी नेत्री हैं जी जी, तो कब काटती हैं, कब देती हैं, कब किसको ले आएंगी, ऐसा है कि उसमें किसी की योगदान नहीं है जी जी। ये है कि बसपा का वोट मिलना और कटना, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी और गुम हो जाती थी, कब आई कब चली गई, इसलिए वोट कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है? बसपा का वोट हमारे पास स्वयं है। अच्छा, इसलिए है, ये बताइए कि जितनी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहे हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की है, 5 किलो राशन पर व्यक्ति ये मिल रहा है, गरीबों के लिए सारे काम बिना भेदभाव जात धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन लोगों को लाभ मिल रहा है, उनको फुल गारंटी है मोदी जी की, इसलिए मोदी जी पर भरोसा हो करके हम 80-20 की लड़ाई में चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? अच्छा, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। इस लोकसभा जौनपुर के लिए क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की इस बार लड़ाई होगी? देखिए, जवाब लोग दिया कि हमारे जो मित्र हैं जी जी, जब क्वेश्चन या जवाब मांगते हैं तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि मोदी जी की हवा डाउन हुई जी जी, मैं तो कहता हूँ कि 14 का चुनाव मोदी जी चले, 19 में तूफान आया, हाथ 24 में सुनामी चल रहा है। अच्छा, मतलब बढ़ता जा रहा है, कम चुनावी चल रहा है जी जी। और उसका प्रमाण एक है, आप देखिए ना, कि व्यक्ति चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, नामांकन दिन अपने कच्चा से भरोसा नहीं दे रहे हैं और वाकआउट करके पर्चा काट दिया जा रहा है जी जी। इसका क्या आप देखना चाहते हैं? अगर उनको अपने प्रत्याशी को भरोसा होता तो टिकट काटते, और हमारे प्रत्याशी से कौन लड़ रहा है, हमारी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो आकलन नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, एक चुनाव दो का चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, अमीर और गरीब। ये चुनाव केवल अमीर और गरीब का मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दलाली कर रहे थे, जो दूध बचौत कर रहे थे, जो चांदी के चम्मच में खाना खाए हैं, मोदी जी ने जमीन से लेटने का काम किया है। मोदी जी ने धुएं में खाना अपनी वहां को बनाते देखा है। आप देखिए जितनी योजनाएं चल रही है, जो मोदी जी ने अपनी आंखों से देखा था, वही योजना आज देश में चल रही है। जी जी, तो इस बार मतलब ये लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पे किस प्रकार का निर्भर तो है ही नहीं। अच्छा। अभी जो आप लोगों ने कहा वधनी का मैं प्रभारी रहा, इसके पूर्व राजी रहा। जी जी भाजी भाई साहब, 14 के चुनाव में हम लोकसभा में वधनी चुनाव जीते हैं, हम 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव 86,000 रखवाई है। लेकिन मलनी विधानसभा में, विधानसभा का समीकरण और लोकसभा का समीकरण भाई साहब, लेकिन 17 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जी जी, हम 38,000 कुछ और वोट आते हैं और धनंजय जी 44,000 वोट आते हैं। जी ठीक है, फारस जी चुनाव जीते, आधार जीत नहीं है, लेकिन 19 के चुनाव हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, यही माननी हमको 86,000 वोट देने का काम करती है। जी मतलब लोकसभा में लोग बढ़ जाता है। एक बार बताओ, यही पाकिस्तान हमारे जो सरहद के हमारे भाई सुरक्षा करते हैं, उनके सर पर फुटबॉल खेला करते थे यही एनडी गठबंधन के लोगों के जमाने में। जी जी, आज हमारे देश का युवा जाग चुका है मेरे भाई, वो अपने सैनिकों का फुटबॉल खेलता नहीं, आज पाकिस्तान के घर में घुसकर उनकी औकात दिखाने का मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए क्षेत्र का चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी और समाज के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र सरोवर अफगानिस्तान के युद्ध में आपने देखा होगा, जो अरबपति थे, जो उद्योगपति थे, हेलीकॉप्टर का पहिया पकड़ कर जाने का काम करते थे, आज आपने धन दौलत कमा लिया, लेकिन अगर वही लोग देश में काबिज हो जाएंगे तो धन दौलत आपको काम नहीं आएगा। जी जी, इसलिए हर आदमी जाग चुका है, और चाहे हमारा वर्णी विधानसभा का लोग हो, चाहे वडरापुर हो, चाहे सदर हो, चाहे सागर, चाहे उदरा, तो पांचों विधानसभा में इस बार क्या लग रहा है, किस विधानसभा में ज्यादा आ रहा है कि मोदी जी के हमारा जौनपुर बनारस और जौनपुर सटा है। जी हम लोग, मोदी जी हमारे नेता है, लेकिन उनके शिष्य होने के नाते, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मोदी जी के बराबर तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका नकल कर सकता हूँ। मोदी जी के कम से कम अगर 7 लाख से 5 लाख से चुनाव जीतते हैं, तो हम 2 लाख प्लस से चुनाव है जीतने का काम करेंगे। ये आपको मतलब लग रहा है? एकदम लग रहा है, क्योंकि हम लोग घर घर जा रहे हैं, एक एक नाटक वो जा रहे हैं। लोग कहते हैं दलित भाई वसवा को तो है कहाँ भैया, 2000 अभी चुनाव देखे या वॉइस का, यही लोग कहते थे कि पश्चिम में ठाकुर समाज नाराज हो गया है। जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो मीडिया से लेकर आम चौपाल में कहते थे कि भाजपा कहाँ सीटियाँ है, पश्चिम से चले और पूर्वांचल की सीटियाँ ले लीजिए। जी और वही हाल इस बार भी होने जा रहा है कि बसपा का एक उत्तर प्रदेश में एक उमा शंकर सिंह चुनाव जीते हैं, इसलिए जीते हैं तो उनका व्यक्तित्व का था, बसपा का उतना नहीं था। जी जी, और समाजवादी पार्टी के लोगों को देखे, यही लोहिंदा से 30,000 हमारी बगल की सड़क, एक देश बाबू ने एक अच्छा काम किया था, सड़क वनी सड़क को खुदवाने का काम किया था, 15 साल वनी के लोग गड्ढे में चलने का काम किया। जी जी, अच्छा विपक्ष का एक भी ये रहता है, जैसे बेरोजगारी और महंगाई, ये दो चीज मुद्दा बहुत ही तेजी से चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? एक चीज लोग कहते हैं बेरोजगारी, आज बताइए कोई भी देश नौकरी का फरियाद दे सकता है? बेरोजगारी का मतलब रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता जी, रोजगार का मतलब बिजनेस भी होता है, आय का साधन। मोदी जी ने आप कल्पना करिए 2014 के पहले जब हम बैंकों में जाने का काम करते थे कि हमको थोड़ा लोन मिल जाए, तो 6 महीने फाइल बनवाने में लगती थी, और जब देने का नंबर आता था तो कहते थे कुछ परसेंट कमीशन दोगे। जी जी, आज मुद्रास्फीति लोन बैंक चल कर गाँव में आती है और कहती भैया कितने का लोन लेने का काम कर, यार याद करिए 14 के बाद एक खाता खोलने के लिए एक गारंटर की जरूरत होती थी, 500-1,000 रुपया ले जाते थे। जी आज बैंक चल करके गाँव में आती है और चौफाल लगाकर एक गरीब आदमी का खाता खोलने का काम करती है। तो मतलब इस बार आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी बहुजन साहब, देखिए लोग कहते हैं फकौड़ा रोजगार है, अरे मैं कहता हूँ इस जौनपुर के लोकसभा के जितने हमारे छेले वाले भाई हैं, जितने हमारे चाय वाले भाई हैं,
आपको जगाने का काम है ये सुनील सिंह कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ। एक बहुजन समाजवादी समाजवादीवासी मजाक कर रहे हैं, फकौड़ा बेचने वाला हमारा भाई नहीं है। अगर एक गुमती खोड़ करके छोटा हमारा भाई फकौड़ा बेच रहा है, चाय बेच कर हम तो गर्व करते हैं कि चाय बेचने का बेच करके देश के उच्च सदन मोदी जी जाने का काम किए हैं, हम लोग गर्व करते हैं। आज हमारा भाई फकौड़ा बेचता है, चाय बेचते हैं, ये समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब इंडिया गठबंधन इसीलिए बनाए हैं, इंडिया इंडिया को दूर बनाए हैं, एकदम खत्म हो गई है। लेकिन राहुल बाबा का किए, राहुल बाबा बेटी तो भाग गए, कोई अपना घर छोड़ता है जी? अगर अपना घर जो आदमी बेच दिया और बताओ घर छोड़ दिया, कहाँ है गठबंधन जी? और देखिए न, अभी अमेठी का बस लोग मायावती जी कितने सीट चुनाव लड़ रही है, या समाजवादी पार्टी कितने सीट लड़ रहा है जी? जी, ये आपस में 4 जून के बाद आपस में सीट फटाफट करने का काम करेंगे जी।